हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक। एंड रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि शावे जो है वो पीछे होती है और नेहा कहती है नहीं, आज हम देख ही लेते हैं कि आखिर ये जैकेट का और ये कपड़ों के अदला बदली का चक्कर क्या है। हमें तो समझ आ नहीं रहा, शायद देखने के बाद समझ आ जाए, ये बोल के सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और आरजू के हाथ शावे के जैकेट की तरफ हो जाता है। बट वो पीछे 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 हुए जा रही होती है और नेहा कहती है यार पकड़ो इसे, और सारा दूर से खड़ी होकर इस समय मज़े ले रही होती है। नेहा कहती है यार पकड़ो इसे, ऐसे हाथी आने वाले से पकड़ो ज़रा। तो रोशनी जाकर उसे पकड़ती है और आरजू जैसे ही जैकेट पे हाथ लगाती है, शावी का चेहरा लिटरली देखने लायक होता है। उसकी तो जान जैसे हलक में आ चुकी होती है, उसकी हालत कुछ ऐसी ही होती है। शावी कहती है क्या कर रहे हो दी, रहने दो ना, मुझे सच में ठंड लग रही है, ये कोई बात थोड़ी ना है। अब किसी को ठंड लग रही है तो लग रही है ना, अब इसमें आप लोग तो ऐसे शक कर रहे हो जैसे मैंने किसी का खून करके छुपा लिया हो। तो सब कहते हैं नहीं, आज हम जरा इसे देख ही लेते हैं। तो जैसे ही आरजू के हाथ उसकी जिप पे पहुँचे, तभी ज़ारा ने शावी को थोड़ा और पीछे किया और रोशनी को वहाँ से हटाया और अपना हाथ उसके जैकेट की चैन की तरफ बढ़ाते हुए आरजू को रोका और कहा कि छोड़िए ना दी, जैसे मर्जी वैसे जैकेट पहने ना, इसमें क्या हुआ, इसमें इतना देखने की और परखने की क्या ज़रूरत है। उसकी मर्जी है, वो दिन में 3 बार ड्रेस चेंज करे या 1 बार करे या ना करे, वो आधी खुली जैकेट पहने या पूरी खुली जैकेट पहने, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से, हाँ इसमें क्या हुआ। और फिर शावी की तरफ देखते हुए कहा कि हमें नींद आ रही है चलो। ज़रा की ये बात सुन के सब एक दूसरे को थोड़ा आश्चर्य से देखने लगे। नेहा ने तीनों के मन में आ रहे सवाल को शब्दों का रूप देकर ज़ारा से पूछा कि तुम्हें नींद आ रही है, इसमें इसकी क्या ज़रूरत है, तुम जाओ ना सुने, तुम्हें थोड़ी ना रोका है हमने, तुम इसे क्यों लेके जाना चाहते हो भाई। ज़ारा ने कहा अरे सो गए और बाद में आके नींद ख़राब कर दी तो इसलिए कहा मैंने। आरजू ने कहा एक सेकंड, ये तुम्हारी नींद क्यों ख़राब करेगी, हाँ इसका रूम अलग तुम्हारा रूम अलग, भला ये तुम्हारी नींद क्यों ख़राब करने लगी। ज़ारा ने कहा अरे मेरे रूम में ही तो सो रही है ना। नेहा ने कहा तेरे रूम में, हाँ और वो क्यों। ज़ारा ने कहा अरे वो अकेली ही थी तो हमने बोला कि आ जाओ मैं भी अकेली हूँ। और इस बात को सुन के रोशनी ने शावी की तरफ देख के कहा और तुम मान गई। शावी ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और नज़रें झुका ली। रोशनी ने कहा वाह कितनी शराफत से हाँ कह रही है, सही है बेटा सही है, मैंने बोला था मेरे रूम में आ जाओ रोशनी मिलेगी, पर इनको रोशनी नहीं चाहिए, इन्हें तो ज़ारा चाहिए ना, तो ये ज़ारा के रूम में गई हैं, रोशनी की कहाँ ज़रूरत है इन्हें, हम तो कह कह के थक गए। नेहा ने कहा अरे समझा करना यार रोशनी, समझते क्यों नहीं है, उसे रोशनी की ज़रूरत नहीं है, उसे तो ज़रा ज़रा टच में करना था, तो तेरे पास क्यों आती। शावी ने जब ये सुना तो कहने लगी क्या दी, कुछ भी। रोशनी ने कहा आप सही कह रही हैं दी, पक्का यही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम ही बेवकूफ़ थे जो इनके पीछे पड़े थे, इन्हें तो ज़रा ज़रा करना था। नेहा ने कहा ज़रा तुम ही बता दो क्या बात है। ज़रा ने हम क्या बताएं, मुझे क्या पता। आरजू ने कहा
यही कि कल जब तुम गुस्से में रूम से गई थी उसके बाद क्या हुआ? ऐसे भड़कते भड़कते रूम को फटकते रूम का दरवाज़ा खोल के निकली थी ना उस दिन। तो उसके बाद क्या हुआ था? नया ने कहा, हाँ हाँ ये तो पूछना ही भूल गई थी मैं, उस रात हुआ क्या? गुस्से के ज्वालामुखी को कैसे शांत किया बता भी दो यार अब। जारा ने कहा, दी गुस्सा नहीं था, बस ऐसे ही कुछ बात थी, सॉल्व हो गई जो कि सॉल्व हो जानी चाहिए। राष्ट्रीय ने कहा, अच्छा जैसे तुम निकली थी उससे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बस तो कुछ बात थी और जो सॉल्व हो गई। हाँ बोलो बोलो। जारा ने कहा, अरे सच में ऐसा कुछ नहीं था और अब चलते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई है और ठंड भी है और नींद भी आ रही है। नेहा ने कहा सबसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कि हाँ हाँ सोने चलो भाई सोने चलो, ठंड बहुत है, बहुत है ठंड बहुत है, वो तो आजकल लग भी रहा है बहुत ठंड है, चलो भाई चलो चलो चलो। और जारा के थोड़ा पास जाके शाबी की तरफ इशारा करके बोले कि और इसे थोड़ी गर्मी दे देना। जारा ने कहा, क्या दी, कुछ भी बोल रही हैं? नेहा ने कहा, अरे मैं तो बोल रही हूँ, इसे तो समझ ही नहीं आ रहा है। देखो पहले भी इसे कुछ समझ नहीं आया था, बच्ची है यार ये अभी सच में। जारा ने मन ही मन सोचा, हाँ इन्हें कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं ये तो बस मुझे ही पता है। आप कहाँ समझोगी, आपको तो यही लगेगा बच्ची है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ये तो बस हमें पता चल रहा है। मन में ये कहते हुए वो चुपचाप शाबी की तरफ देखने लगी तो नेहा ने कहा, अरे सच बता रहे हैं इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझा देना, और ठंड भी बहुत लग रही है इनको तो थोड़ी गर्मी का एहसास भी करा देना ठीक। ये कह के नेहा वहाँ से चली गई और शाबी ऐसे भोले से बच्चों की तरह जैसे उसे कुछ नहीं पता ऐसे चुपचाप खड़ी रही। ये बातें कर सब अपने अपने रूम में चले गए थे और जारा और शाबी भी धीरे धीरे एक एक कदम लेके आगे पीछे होके उसके रूम में आ गए थे। रूम में आके जारा ने गेट लॉक किया और शाबी की तरफ मुड़ी। शाबी ने कहा, यार आपका अच्छा है, आप हर बार मुझे क्यों फंसा देती हैं? हाँ तो कहती है, मैंने क्या फंसाया? अरे आप ही ने फंसाया उस समय ऐसे बोल के। अरे तो बचाया भी तो हमने ना। हाँ हाँ ये सही है, पहले आप फंसा दो और फिर बाद में हमें बचा लो, ये कोई बात है? हाँ ये तो गलत बात है ना, हम क्या जवाब देते हैं? हमें हर बार आप फंसा देते हो, कभी भी कहीं भी जैसे मन करे वैसे आप हमें फंसा देते हो, ये गलत बात है आपकी। तो ये वो बोलती रहती है कि जारा उसके करीब आती है, उसके जैकेट को जोर से पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती और कहते, बहुत बोल ली, इतना क्या बोल रही हो, हाँ चुप भी हो जाओ, इतना बोलना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, शांत हो जाओ, काम डाउन। तो शाबी ने अपना चेहरा थोड़ा पीछे किया और कहा कि अब मैं आपने मुझे ऐसे फंसा दिया तो मैं कुछ बोलूं भी ना, ये क्या बात होती है भाई? अरे तो फंसाया तो बेटा निकाला भी तो हमने ही ना। हाँ सही कह रहे हो। और ये कहते हुए जरा शाबी की जैकेट के चैन को झटके से खोल देती है और जरा के सरकत पे शाबी की तो बोलती बंद हो जाती है, वो बस शाबी को देख रही होती है
और ज़रा हल्के से उसके नेक पे अपने होठों को लगाती है और फिर एक झटके में खुद को पीछे खींच लेती है। तो शावी उसे सवालिया नजरों से देखती है। उसे यूं देखने के बाद अभी वो कुछ सोच ही रही होती है तो ज़रा कहती है कि क्या इतनी जल्दी किस बात की है आपको, हम भी यहीं हैं, रात भी अपनी है, जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको धीरे धीरे, टेंशन क्यों ले रही हो। नहीं हम कहाँ टेंशन ले रहे हैं। तो ज़रा शावी के माथे से अपनी उंगलियों को हल्का हल्का टच करते हुए उसके फेस से होते हुए और उसके दिल पे अपनी उंगली रखते हुए कहते हैं, ये ना सब बता रहा है कि तुम्हारे दिल में दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है मैडम, समझी। तो कहती है, क़यामत लग रहे हो आप, आपका ये रूप है। तो ज़रा से ज़ोर से उसे बेड पे धक्का देती है और आके क्रॉस करके उसके ऊपर बैठती है और दोबारा से उसकी जैकेट खींच के उसे अपने करीब करती है। आज तो ज़रा सच में बिजलियाँ गिरा रही थी, एक से बढ़ के एक अदा। उसे अपने करीब खींचते हुए अपनी सांसों को उसकी गर्दन पे छोड़ते हुए कहते हैं, आपको प्रॉमिस किया था भाई, आपको हर वो सुख देंगे जिसके लिए आपने दोपहर में बलिदान दिया था। अब अपना प्रॉमिस वेस्ट तो नहीं जाने दे सकते हैं ना, तो आपका ख्याल रखना ही पड़ेगा मुझे, क्यों। तो शावी की जुबान लड़खड़ाने लगती है, उसके दिल की धड़कने बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ लेती हैं, वो समझ ही नहीं पा रही होती वो रिएक्ट कैसे करे। आखिर पहली बार उसने ज़ारा को इतने बोल्ड अवतार में देखा था तो ये होना तो लाजमी था। वो हैरान परेशान और उस मोमेंट को इंजॉय भी नहीं कर पा रही थी बेचारी सही से। ज़ारा की बोल्डनेस ने उसकी ज़ुबान पे एक तरीके का ताला लगाया हुआ था जिसकी वजह से वो सही से उस मोमेंट को इंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। तो देखते हैं अब आगे और क्या क्या होता है। ज़रा अपनी हरकतों से अपनी अदाओं से शावी को अपना और कितना दीवाना बनाएगी, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में ही सुनेंगे। तब तक आप लोग इस पार्ट को एंजॉय कीजिए। बस अब 2 दिन की बात और है, मेरे ऑफिस का टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा और फिर स्टोरी सारे रेगुलर आने लगेंगी। तो बस 2 दिन का एडजस्टमेंट और कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।